तो 7:30 बजे स्कूल है तो 6:30 बजे हम छोड़ देंगे, ठीक है? सुबह आना जरूरी है। इस वक्त पूरे देश में नीरज चोपड़ा से लेकर विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है, लेकिन सच तो ये है कि बड़े खिलाड़ी बनने की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। और आज ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भले ओलंपिक ना पहुंचे हों लेकिन तैयारी पूरी है। जी हाँ, बता दें कि कुशीनगर में अपने सीमित संसाधन में तैराकी के क्षेत्र में अति सामान्य घरों के लड़के भी अपनी प्रतिभा से सरकारी नौकरियों में अपनी जगह बना पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हाटा विकास खंड के रधिया देवरिया की, जहां पर सामान्य घरों के बच्चे एक छोटे से तालाब में तैराकी की प्रैक्टिस करते हैं और लखनऊ या प्रदेश के अन्य जगहों पर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेकर मेडल जीतकर अपने गांव और क्षेत्र में चर्चा का विषय बन जाते हैं। रधिया देवरिया से अब तक लगभग 75 से 80 लोग विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी पा चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उपेक्षा का शिकार यह तालाब मूलभूत आवश्यकता से वंचित है। तैराकी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना कोई राध्य देवरिया से सीखे, क्योंकि बिना किसी संसाधन के केवल गांव के तालाब में तैराकी की प्रैक्टिस कर देश के विभिन्न संस्थाओं, रेलवे, मिलिट्री, SSB, यहां तक कि BHU में भी इस तालाब से प्रैक्टिस कर तैराकी के दम पर सैकड़ों बच्चों ने सरकारी सेवा प्राप्त की। गांव के नौजवानों को देखने के बाद यह लगता है कि सरकार भी अगर इस तरफ ध्यान दे तो आने वाले दिनों में नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक से तैराकी में मेडल की भरमार लग सकती है। राधिका देवरिया के आसपास के 7 किलोमीटर से जुड़े गांव के सामान्य घरों के बच्चे यहां अपने कोच से बिना पैसे के तैराकी का गुण सीखते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का काम करते हैं। कोच रंजीत शर्मा का कहना है कि यहाँ के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कमी है तो संसाधनों की। अगर वह पूरा कर दिया जाए तो यह बच्चे ओलंपिक से भी मेडल ले जाने में सक्षम है। दूसरे कोच रंजीत शर्मा हैं, जो कि खुद ही तैराकी में नेशनल तक जा चुके हैं। ऐसे में अब जनप्रतिनिधि और प्रशासन की नजर कब इन ऊर्जावान ग्रामीण खिलाड़ियों की तरफ पड़ती है, जिससे कि इन बच्चों को तैराकी कर अपने लक्ष्य को परिलक्षित करने में सुविधा मिल सके। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।